तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया का 10 ऐसे देश जहां पर चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। उससे पहले हम चाय के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि चाय की शुरुआत कैसे और कहां से हुई थी। चाय की शुरुआत चीन से हुई थी। कहते हैं एक दिन चीन के सम्राट सैन नुंग के प्याले में गर्म पानी रखा था और हवा के जरिए चाय की कुछ सूखी पत्तियाँ इस प्याले में जा गिरी, जिसके कारण पानी का रंग बदल गया। और जब इस पानी को पिया गया तो उसका स्वाद बहुत ज़्यादा पसंद आया और यहीं से शुरू होता है चाय का सफ़र। तो ये था चाय से जुड़ी कुछ बातें। अब हम सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला देश के बारे में बात करते हैं। तो 10वें नंबर पर है बांग्लादेश। यहाँ करीब हर वर्ष 81,850 टन चाय का उत्पादन किया जाता है। बांग्लादेश की गर्म और घनी जलवायु चाय उत्पादन के लिए अनुकूल है। यहाँ करीब 150 से अधिक चाय का बागान है और इस बागान में लगभग 3 लाख से अधिक मजदूर काम करते हैं। 90वें नंबर पर है ईरान। यहाँ हर वर्ष करीब 1,580 टन चाय का उत्पादन किया जाता है। 8वें नंबर पर आता है म्यांमार। यहाँ हर वर्ष करीब 1,04,743 टन चाय का उत्पादन किया जाता है। 7वें नंबर पर आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हर वर्ष लगभग 1,39,362 टन चाय का उत्पादन करता है। 6ठे नंबर पर आता है टर्की। इस देश में चाय का उत्पादन करीब 2,34,000 टन हर वर्ष किया जाता है। 5वें नंबर पर होता है वियतनाम। यहाँ हर वर्ष करीब 2,60,000 टन चाय का उत्पादन किया जाता है। 4ठे नंबर पर है हमारा श्रीलंका। यहाँ करीब हर वर्ष 3,39,699 टन चाय का उत्पादन किया जाता है। 3रे नंबर पर है केन्या। केन्या हर वर्ष 4,39,857 टन चाय का उत्पादन करता है। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा भारत। यहाँ हर वर्ष करीब 13,25,050 टन चाय का उत्पादन किया जाता है। और पहले नंबर पर है चाइना। यहाँ हर वर्ष करीब 24,73,443 टन चाय का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन टॉप 10 कंट्री में सबसे ज़्यादा जो है एशियन कंट्री जो है जहाँ पे चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। बस यार ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।